पाकिस्तान की सरहद पार करके सीमा सचिन के घर आ गई और अब दोनों एक साथ रह रहे हैं। पुलिस की तरफ से भले ही जांच चलती रहे लेकिन दोनों का प्यार इस वक्त भी परवान है। देखिए हमारे सामने है, दर्शकों को बता दें कि सीमा कई ऐसे वीडियोस भी पोस्ट करती हैं और आज वो गाना भी गाकर सुनाएंगी कि सचिन के लिए कौन सा गाना गाती हैं। गाना आवाज अच्छी नहीं है, कोई हंसे नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी फर्स्ट टाइम गा रही हूँ, सभी इनके लिए सब कुछ कर लूंगी, कोई हंसता है तो हंसने दो। कौन सा गाना गाएंगी आज? जो मेरा फेवरेट है वही गाऊंगी, मुझे दिन पकड़ लेती हूँ। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी ते राता लंबियां लंबियां, उले जा मुझे परदेसी ते तेरी मेरी एक जिंदड़ी। बहुत बढ़िया गाना। देखिए ये गाना गदर फिल्म का था और यहाँ पर सीमा ने सचिन के लिए गाया और फेवरेट भी रहा है ये कह रही है। और सचिन आपने कौन सा गाना आपने बताओ, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है। मुझ पे हावी नहीं था, मुझ पे नहीं आता गाना, लेकिन कुछ गाना तो सुनाते थे आप भी, ये सीमा ने कहा है लोग तो चलेगी गाना भी चलता रहेगा। चल भाई डावर हमला तेल छोड़े फेरा लव लीला दूंगा, ना दो का तू खूब लगाइयो तेरी मौज करा दूंगा। तो यही गाना, ये गाना देखिए ये अलग तरीके की बिल्कुल यहाँ पर ट्रेंड है। सीमा आप कैसा लग रहा है, घर में आकर आपने रसोई संभाली या नहीं संभाली है? थोड़ा सा कभी सुबह की चाय बना लेती हूँ, बाकी मम्मी काम नहीं करने देती, वो जबरदस्ती सुबह की चाय कह रही तुम थक जाती हो मीडिया में रह रह के, तो कभी कभी सुबह की चाय बनाइए। अब जब मीडिया वाले हटेंगे कुछ दिन तो फिर खाना वाना बनाऊंगी। मम्मी खुद इच्छा थी कि मैं खाना बनाऊं मम्मी पापा के लिए इनके लिए। जब ये वीडियो कॉल में ये घर दिखाते थे तो मैं इनसे कहती थी कब वो दिन आएगा जब मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे किचन में तुम्हारा काम करूंगी। मुझे खुद इच्छा थी मेरी कि इनके लिए मैं करूं, तो करूंगी, अभी तो नहीं हूं सर, आहिस्ता आहिस्ता। सचिन चार बच्चे भी अब आपके जिस तरह से है तो कैसे आगे की परवरिश करोगे, क्योंकि काम का बोझ भी बढ़ जाएगा? जी सर, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कमाने की, जितने अच्छे से अच्छे रखने की कोशिश करूंगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और इसे भी अच्छे रहन सहन करेंगे, इसका भी घर वालों का भी, यानी कि अच्छे से अच्छा रहेंगे सही अच्छे से। अब पाकिस्तान से नाता टूट गया, बिल्कुल टूट गया। आप देख नहीं रहे मीडिया में पाकिस्तान लोग गाले दे रहे हैं मुझे कि पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं, आए तो जूतों से मार मार के मार देंगे इसको, कोई अगर थप्पड़ों से मार देंगे, कोई कह रहे गला काट देंगे, कोई कह रहे फांसी लगा देंगे। आप देखते होंगे हम तो कम ही देख रहे हैं क्योंकि हम पे फोन वोन नहीं है, तो अब मेरे पाकिस्तान से कोई नाता है भी नहीं। और मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रही सर, जो सच है जो मैंने देखा है मैंने वही कहा है। पाकिस्तानी ऐसा मत सोचे कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ, मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, समझो वहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू हूँ, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं, कोई भी बेटी अपने पेके के बारे में गलत नहीं बोलेगी। अब वो मेरा पेका हो गया, ये मेरा मेका हो गया, तो मैं मतलब ससुराल हो गया सॉरी, तो मैं गलत नहीं बोलूंगी दोनों देशों के बारे में। तो फिर भी लोग कह रहे हैं, लोग ये झूठ फैला रही सीमा पाकिस्तान के बारे में गलत बोल रही, मैं गलत नहीं बोल रही, मैं वहाँ के जो लोग हैं जहाँ गलत होता है मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। जैसे आपने देखा कि मुहम्मद की वीडियो बनाई है बंदूकें पकड़ के, क्या वो अच्छे लोग हैं? मैं उन्हीं के बारे में कहती हूँ कि जाओ वहाँ देखो क्या क्या चल रहा है। आपने जो मुहम्मद के बंदूकों वाली बात करी, क्या कोई वीडियो वायरल हुआ था? हाँ हो रहा है नेट पे, मैंने नेट पे ही देखा है कि भारत को धमकी दे रहे हैं, सिर्फ मुझे नहीं पूरे भारत को धमकी दे रहे हैं कि सीमा लौटा दो पिस्टोल बंदूक, कोई गुंडे वुंडे हैं कि वरना ये होगा ये वो होगा, और हमें गाली गलौज करी गई है पूरे भारत वालों को। जानती है कि ये कहाँ कोई डाकू वगैरह कुछ? ये हैदर के गांव के हैं, मुंह बांध रखे हैं, मैं मतलब मुझे पता है क्योंकि उनके घर घर में एक एक बंदूक है, वो बंदूक मिला के उन्होंने ये वीडियो बनाई है, बंदूकें मिला, ऐसा कुछ कर तो नहीं सकते, डरा रहे हैं भारत को। तो उनको कहूंगी ये भारत है डरने वाला नहीं, मैं सेव हूँ, मुझे अब मेरे पति भी कह रहे थे पाकिस्तान आके तलाक लो ना, पाकिस्तान आके तलाक लो ना, मतलब इसलिए कि पाकिस्तान जाऊंगी तो उनको पता है वहाँ उनका कानून चलेगा और मैं वापस भारत तो आ नहीं सकती, तलाक तो ले नहीं सकती। हलफनामा एक वायरल हो रहा है, वो क्या है उस हलफनामा? सर उसका मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे साइन वाकई लिए गए थे, मैं इतनी पटर पटर नहीं पढ़ी लिखी कि वो अंग्रेजी पढ़ पाऊँ जो सर पढ़ रहे थे न्यूज में, मुझे उसका पता भी नहीं है। हाँ मुझे साइन लिए गए थे, और कोई भी बेटी अपने पापा को लालची नहीं कहेगी, मेरे पापा पापा थे, जब तक मेरे पापा थे तो मैंने इनके पास आने का भी नहीं सोचा था, क्योंकि शायद मैं सोचती मेरे पापा ये सदमा सह नहीं पाएंगे, उनके बाद मेरा कोई नहीं था, आज मैं भारत में हूँ सर। पबजी में प्यार कैसे हो जाता है? पबजी तो हम भी खेलते हैं, कई और लोग भी खेलते हैं, ये गेम है, गेम में कैसे मुलाकात होगी? सर वो तो पबजी में
अगर दोनों का मन मिलता है तो तभी तो प्यार होगा। भाई ऐसे थोड़ा ना मेरा मिल मिला इसका मिल मिल इसका नहीं मिला कि मेरे को प्यार होगा इसके प्यार नहीं हुआ, ऐसे थोड़ा ना होता। जब दोनों को आपस में मन मिली होती है जब ही तो प्यार होता है। प्यार हो गया तो उसके बाद आपको पता चला सीमा पाकिस्तान से है, कैसे पता चला? जी सर वो पाकिस्तान वो बता दिया था और मैं शक वो नहीं कर रहा था भरोसा, तो जब मैंने लंबर लिया मैंने कहा ये तो ये इंडिया का लंबर है ही नहीं। जब मुझे तो पता भी तब पड़ी थी कि पाकिस्तान के पीछे प्लस 192 लगाते हैं। हम पूरा नंबर लिख रहे हैं, नंबर नहीं मिल रहा, नंबर क्यों नहीं आ रहा, नंबर क्यों नहीं आ रहा। फिर हमने यूट्यूब से देखा कि मतलब भारत काल कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा प्लस 91 लिखा जाता है। फिर मैंने उनको बताया हमारा क्योंकि हमारा 92 कोड है, ये तो मुझे पता थी कि नंबर के आगे भी लगता है कि हम 0300 या 031 इस तरह कॉल करते हैं नंबर पे, तो फिर पता पड़े कि हाँ भाई प्लस लगता है 92 लगता है। और सचिन थे जिनका ये कहना था कि वो अब एक दूसरे के साथ है और सीमा यहीं पर रहना चाहती है। कैमरामैन जय के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, ग्रेटर नोएडा।